दोस्तों नमस्कार, अतुल्य स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग विटामिन का अध्ययन करेंगे, जो साइंस का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसकी डिमांड निरंतर हो रही थी। सबसे पहले विटामिन शब्द का अर्थ क्या होता है। विटामिन दो शब्दों से, ग्रीक भाषा के दो शब्दों से, विटा और मिन से मिलकर बना हुआ है। विटा का अर्थ होता है लाइफ और मिन का अर्थ होता है एलिमेंट, मतलब ऐसा पदार्थ या ऐसा तत्व जो जीवन से संबंधित हो। अब शब्दार्थ के अलावा पूछा जाता है कि विटामिन क्या है, तो विटामिन एक विटामिन एक जटिल कार्बनिक यौगिक है, यौगिक है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और ये उपापचयी क्रियाओं का नियमन करते, अब इसमें दो शब्द है, एक उपापचयी क्रिया और एक नियमन। उपापचयी क्रिया को हम बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस बोलते हैं और नियमन का मतलब होता है रेगुलेशन। तो उपापचयी क्रियाएं क्या होती हैं कि जीवों के अंदर होने वाली जैव रासायनिक क्रियाओं को हम उपापचयी क्रियाएं कहते हैं। तो ये क्या करता है, विटामिन उपापचयी क्रियाओं में उपापचयी क्रियाओं का नियमन करता है, रेगुलेशन करता है, उसको नियंत्रित रखता है। अब आगे बहुत महत्वपूर्ण ये बार बार कंपटीशन में पूछा जाता है कि विटामिन की खोज किसने की, विटामिन की खोज किसने की। ये बहुत ही क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जिसमें हम आज उसके बारे में आपको बहुत महत्वपूर्ण तथ्य बताएंगे। सबसे पहले 1881 में यन आई ल्यूमिन, 1881 में यन निको लाई आई ल्यूमिन ने ये डॉक्टर थे, रसिया में डॉक्टर थे और ये रिसर्च कर रहे थे स्कर्वी रोग पर। तो स्कर्वी रोग था उस पर जो है ये रिसर्च कर रहे थे और रिसर्च क्या है, इन्होंने चूहों पर अपना प्रयोग किया, चूहियों को लिया और चूहियों का को जो है एक को मतलब कुछ चूहियों को लिया जिसको इन्होंने मिल्क दिया और कुछ को लिया, कुछ माइस को लिया जिसको क्या किया, दूध से ही निकाला गया कार्बोहाइड्रेट फैट्स प्रोटीन्स एंड साल्ट्स, कार्बोहाइड्रेट फैट्स प्रोटीन्स एंड साल्ट से ये दूध से मिल्क से निकाल लिया गया, अलग कर लिया गया और अन्य माइस को जो है ये दिया जाने लगा। कुछ समय बाद क्या हुआ कि जिसे मिल्क दिया जा रहा था वो सभी जीवित रह गए और ये क्या हुए, मृत हो गए। आफ्टर सम टाइम्स ये जो है कुछ समय बाद मृत हो गए। तो इन्होंने क्या,
जो डॉक्टर निकोलाई आइलिनिन इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि कोई ऐसा पदार्थ दूध में पाया जा रहा है जो जो कि उस समय जो है 1881 में कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन्स और साल्ट यानी कि खनिज लवण का केवल ही हमें पता था, विटामिन का पता नहीं था। तो उन्होंने कोई ऐसा पदार्थ बताया जिससे जो है जिसके अभाव में अन्य जो चीजें थे वो खत्म हो गए। फिर इन्होंने अपने बॉस गुस्ताव वान बंग ये रिपोर्ट जो इन्होंने बनाई, कंक्लूजन जो इन्होंने निकाला वो गुस्ताव वान बंग को इन्होंने दिया और उन्होंने क्या किया, इसको रिजेक्ट कर दिया। इन्होंने गुस्ताव वान जो इनके एडवाइजर थे, ये एडवाइजर थे, उन्होंने इसको जो है रिजेक्ट कर दिया। इस तो वहीं से ये विटामिन जो है इसकी खोज तो हो गई थी लेकिन वहीं पे ये रिजेक्ट कर दिया गया। फिर 1912 ईस्वी आया, 1912 ईस्वी में कैसीमिर फंक ने क्या किया, इन तत्वों को जो लाइफ एलिमेंट थे इनको विटामिन नाम दिया, विटामिन कहा कि ऐसा कोई तत्व पाया जा रहा है जो विटामिन है, इसको विटामिन बताया कि लाइफ एलिमेंट होते हैं और तभी से जो है इन्हीं को खोजकर्ता कहा जाने लगा। लेकिन अब इसके बाद क्या हुआ, जब विटामिन उस तत्व को विटामिन कहा जाने लगा तो एक और इसी सन में एक और वैज्ञानिक थे फ्रेडरिक हॉपकिंस ने क्या किया, फ्रेडरिक हॉपकिंस ने इनके गुणों को और इनकी संरचना का अध्ययन किया जिसके लिए क्या हुआ, 1929 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब ये तो हुआ विटामिन की खोज और विटामिन क्या होते हैं, विटामिन शब्द का अर्थ। दूसरा क्या है, क्योंकि हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी मुख्य रूप से पढ़ रहे हैं तो उसमें ये प्रश्न आता है, पूछा जाता है कि भाई विटामिन क्या हम लोगों का शरीर विटामिन बना सकता है, हमारा शरीर जो है किस तरह से विटामिन को प्राप्त करता है। तो हम लोग विटामिन के लिए पूर्णतः पौधों पर निर्भर, पौधों के उत्पादों प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष डायरेक्ट अथवा इनडायरेक्ट रूप में हम लोग पौधों पर प्लांट पर निर्भर। और कुछ जंतु हैं, कुछ एनिमल हैं जिनके प्रोडक्ट भी हम लोग इनके प्रोडक्ट से भी विटामिन प्राप्त करते हैं। जैसे प्लांट में क्या है कि विभिन्न प्रकार के जो मौसमी फल हैं, बीज हैं, हम पौधों से लेते हैं जिससे विटामिन लेते हैं और एनिमल के भी प्रोडक्ट हैं जैसे मिल्क है और एग है, यकृत है या मांस है, इनसे भी हमें विटामिन मिल जाते हैं। अब हम देखते हैं कि विटामिन टाइप्स ऑफ विटामिन, विटामिन के कितने प्रकार होते हैं। विटामिन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। तो जल में और वसा में कौन कौन से विटामिन घुलनशील हैं इसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले फैट सॉल्युबल विटामिन, इसके अंतर्गत क्या आता है और वाटर सॉल्युबल के अंतर्गत क्या आता है,
वाटर सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल के अंतर्गत क्या आता है कि ए डी ई और के, ये विटामिन क्या है, ए डी ई के, ये फैट सॉल्युबल या वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, जबकि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और सी एंड विटामिन सी ये वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। हम लोग आज केवल ए डी ई के का ही अध्ययन करेंगे। ये अगले लेक्चर में, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ जाता है, अगर कोई कमेंट होता है, तो अगले लेक्चर में इसको हम इस पढ़ेंगे। आइए देखते हैं ए डी ई के विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन। तो सबसे पहला विटामिन आता है विटामिन ए। अब सबसे पहला यही प्रश्न है कि इस विटामिन की खोज किसने की, तो मैकुलन एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसकी खोज की, विटामिन ए की खोज की। और इसका रासायनिक नाम क्या है, तो इसको हम रेटिनॉल बोलते हैं। रेटिनॉल इस विटामिन का नाम है। और रेटिनॉल क्यों है, क्योंकि ये डायरेक्ट हमारी आंख की रेटिना से संबंधित है, इसलिए इसका नाम ही रेटिनॉल रखा गया है। अब आगे क्या है, इसको और क्या बोलते हैं, एंटी जीरो फथेलमिक, एंटी जीरो फथेलमिक नाम से भी जाना जाता है इस विटामिन को। इसके अलावा ए जीरो फाइटाल ही से कहते हैं, ये इसके तीन नाम है, और तीनों नाम से पूछा जा सकता है, मतलब विकल्प में ये भी हो सकते हैं इसे रेटिनॉल के अलावा, अगर इसका रासायनिक नाम पूछा जाता है तो। सॉरी। अब क्या है कि इसको हम देखते हैं कि विटामिन ए पाया कहां जाता है, तो विटामिन ए कहां पाया जाता है, मुख्य रूप से विटामिन ए पीले फलों में पाया जाता है, पीले फल कौन कौन से हैं, मुख्य रूप से आम, पका हुआ आम जो है उसको अगर कहा जाता है कि 3 महीने अगर हम पका हुआ आम खा लें तो हमारा यकृत, केवल एक ऐसा विटामिन ये है जिसको हमारा यकृत स्टोर कर सकता है। अगर 3 महीने लगातार हम पका हुआ आम खाते हैं तो हमारे यकृत में विटामिन ए स्टोर कर लिया जाता है पूरे वर्ष के लिए, पूरे साल के लिए। तो ये आम हो गया, इसके आगे पपाया या पपीता जिसको बोलते हैं, पपीता के अलावा यकृत में भी पाया जाता है यकृत, दूध, और क्या है वो, हम लोग विटामिन ए का अध्ययन कर रहे हैं, ये मछली के तेल में, कुछ मछलियां हैं जिसके तेल में भी विटामिन ए पाया जाता है। इसके अलावा हरे पत्तेदार सब्जियों में भी ये पाया जाता है। अब क्या है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो एक महत्वपूर्ण रोग है रतौंधी नामक रोग, या जिसे हम नाइट ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं। या इसके अलावा जीरो फथैलमिया भी, इसकी कमी से जीरो फथैलमिया नामक रोग भी हो जाता है।
इसके अलावा दूसरा विटामिन है विटामिन 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 ए के बाद फिर आता है डी। अब इसमें भी विटामिन डी की खोज किसने की, सबसे पहले खोज दिया गया है तो खोज इन्होंने हॉपकिंस, जो पीछे फ्रेडरिक हॉपकिंस थे उन्होंने हॉपकिंस विटामिन डी की खोज हॉपकिंस ने की। और इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसको हम बोलते हैं कैल्सीफेरा कैल्सीफेरा। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेराल है। और कैल्सीफेराल आप क्या है, ये सूर्य के प्रकाश में सबसे अधिक मात्रा में सूर्य के प्रकाश से हमें प्राप्त होता है। सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी हमें अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है, इर्गोस्टीरोल इर्गोस्टीरोल एक ऐसा ये पदार्थ है जो हमारी त्वचा में पाया जाता है। और ये क्या होता है, अल्ट्रावायलेट रेज, सूर्य की जो यूवी रेज है इनसे ये जुड़ जाता है और क्या बनाता है, विटामिन डी यानी कि कैल्सीफेराल ये बनाता है। इसका काम क्या होता है, ये हमारे हमारे जो आंत होती है छोटी आंत, उससे कैल्शियम और फास्फोरस इन दोनों का क्या करता है, एब्जॉर्प्शन, मतलब इससे जो है अगर हमारे शरीर में पाया जाता है तो कैल्शियम और फास्फोरस ये दो खनिज हैं जो हमारे लिए बहुत आवश्यक होते हैं, इनका ये एब्जॉर्प्शन करता है। इसके बाद में इसकी कमी से कौन सा, हाँ ये चीज और जान लीजिए कि सूर्य के प्रकाश में जब हम निर्वस्त्र रहकर अपने शरीर में तेल लगाकर और थोड़ी देर धूप में बैठते हैं कि हमारी त्वचा गर्म हो जाए, तो उस समय जो है अधिक मात्रा में विटामिन डी हमें प्राप्त हो जाता है। बच्चों में रिकेट्स रिकेट्स जिसे सूखा रोग भी कहते हैं, रिकेट्स या सूखा रोग बच्चों में हो जाता है। इसके अलावा बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया ये बड़ों में हो जाता है। इसमें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, लचीली हो जाती हैं। अगला विटामिन हमारा आता है विटामिन ए डी फिर ई। अब अगला प्रश्न फिर वही उठता है कि विटामिन ई की खोज किसने की, एजिकमैन ने विटामिन ई की खोज की। क्या होता है कि विटामिन ई जो है एजिकमैन, और इसको हम बोलते हैं टोकोफेराल इसका रासायनिक नाम है टोकोफेराल। और इसको फर्टिलिटी विटामिन भी बोलते हैं विटामिन ई को। और विटामिन डी को क्या बोलते हैं, सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं सनशाइन विटामिन भी इसको बोलते हैं। तो ये फर्टिलिटी विटामिन कहा जाता है। ये अंकुरित बीजों में मुख्य रूप से अंकुरित बीजों में पाया जाता है विटामिन ई। और अंकुरित बीजों में गेहूं के अंकुरित बीज मुख्य रूप से इसमें शामिल है और बिनौले का तेल जिसे हम रुई बोलते हैं बिनौले के तेल में ये पाया जाता है। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, इसकी कमी से विटामिन ई की कमी से नामक रोग हो जाता है जिसमें
व्यक्ति की जननदर कम हो जाती है, संतान उत्पन्न करने की क्षमता कमजोर पड़ जाती है। विटामिन ई की बात आता है, ई के विटामिन की, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? सबसे पहले इसकी खोज किसने की? तो हेड्रिक दाम, हेड्रिक दाम ने इसकी खोज की, और इसका रासायनिक नाम होता है नेफ्थोक्विनोन, नेफ्थोक्विनोन। ये फाइलोक्विनोन का व्युत्पन्न होता है, और ये जो है हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है, और इसकी कमी से हैमरेज हो जाता है। हैमरेज में क्या होता है? अधिक रुधिर स्राव होने लगता है, जिससे अधिक रुधिर स्राव होने के कारण क्या होता है? अधिक रुधिर स्राव होने के कारण धीरे धीरे रक्त सारा निकल जाता है और व्यक्ति कमजोर पड़ जाता है, और धीरे धीरे करके जो है आदमी खत्म हो जाता है। इसमें क्या होता है? प्रोथ्रामिन का निर्माण होता है, यकृत में। और किसमें पाया जाता है, ये महत्वपूर्ण है, इसमें सोयाबीन और कुछ बीज जो होते हैं उसमें भी, और साथ में पनीर, दूध के उत्पाद भी इसके अंतर्गत आते हैं, जो पनीर आदि में, और हरे पत्तेदार सब्जियां आदि। अब अंडे और यकृत लगभग सभी में शामिल रहते हैं, यकृत भी रहता है, अंडे रहते हैं, ये सभी इसमें शामिल रहते हैं। ये हुआ जो है फैट सॉल्युबल विटामिन। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो आप लोग अतुल स्टडी पॉइंट को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों पे व्हाट्सएप पर शेयर करिए, और बेल आइकन ना दबाना ना भूलें, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार।